धर्म कोई भी हो, पूजनीय व सम्मानजनक होते हैं, चाहे वो बौद्ध, ईसाई, सिख, हिंदू या जैन धर्म हो। लेकिन जैन धर्म की भी चार संप्रदायों में मान्यता है, 13 पंथी, शब्दांबर मूर्ति पूजक व दिगंबर में दिगंबर मुनि जो कपड़े नहीं पहनते। इस कलयुग में ये कहा जा सकता है कि दिगंबर मुनियों की जो कड़ी तपस्या है, ऐसी तपस्या किसी अन्य धर्म में नहीं देखने को मिलती। दिगंबर मुनि बगैर कपड़े और नंगे पांव ही चलते हैं। जैन धर्म का अहिंसा परमो धर्म में ही विश्वास है। मुनि इसलिए नंगे पांव चलते हैं ताकि किसी जीव की हत्या ना हो जाए। इस संदर्भ में प्रमुख सागर जी महाराज बद्रीनाथ, जो कैलाश पर्वत के नाम से भी जाने जाते हैं, पहुंचे, जहां पर भगवान बाहुबली इत्यादि ने साधना कर मोक्ष प्राप्त किया था। और उसी पर्वत पर पहुंचे प्रमुख सागर जी महाराज इस कड़कती सर्दी में, और देखे जैन मुनि किस प्रकार अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तपत, जिसको जनागम में कैलाश पर्वत के नाम से हम जानते हैं, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, देख रहे हैं आप चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आज ये महसूस कर रहा हूँ कि कैसे भगवान आदिनाथ ने यहाँ पर आकर अपने निर्वाण सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए साधना की होगी, और इस सिद्ध क्षेत्र से अनंत अनंत मुनि मोक्ष गए होंगे। भगवान बाहुबली, भगवान भरत इसी क्षेत्र से मोक्ष गए हैं। ये कैलाश पर्वत, जिसका नाम आज वर्तमान में अष्टापद या बद्रीनाथ के नाम से लोग जानते हैं, वास्तव में यहाँ पर आकर जो परिणामों में निर्मलता और सरलता और सहजता आई है, अगर आज वर्तमान में चौथे काल जैसा सेनन होता तो इस क्षेत्र से कोई वापस जाने को तैयार ना होता। मैं इस पावन भूमि पर पवित्र भावनाओं के साथ यही भावना भाता हूँ, हे भगवान, जैसे आप इस क्षेत्र पर आकर निर्वाण को प्राप्त हुए, ये ऊँचे ऊँचे शिखर, ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ जो देख रहे हैं, वो भगवान की ऊँचाइयों को प्रदर्शित करते हैं कि जो भगवान ने अनंत ज्ञान प्राप्त किया, अनंत दर्शन प्राप्त किया, अनंत सुख प्राप्त किया, अव्यवाद गुण प्राप्त किया, ये 8 गुण जो भगवान को, 9 लब्धियाँ प्राप्त होती हैं, 8 कर्म जो भगवान ने छोड़े, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि वो 8 कर्म जो भगवान ने छोड़े, वो 8ों कर्म ये बड़े बड़े पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो गए, और जो 9 लब्धियाँ भगवान ने प्राप्त की वो सिद्धालय में जाकर उनको विराजमान हो गई। ये सिद्धालय की व्यवस्था हम यही कहेंगे कि इन बर्फ में, वास्तव में ये बर्फ जो हम देख रहे हैं, ये बर्फ ठंडक है, लेकिन इस बर्फ में हमारे पास मन में भी बड़ी शांति को रखने के लिए, कि जिसका मन शांत होता है उसके जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, और जिसके मन में क्रोध आए वो संसार का सृजन करता है, और जिसके मन में शांत भाव आए, अब देखो जो ठंडे दिमाग वाले लोग रहते हैं वो बड़े बड़े विचार, बड़ी बड़ी योजनाएँ, बड़े बड़े उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। और देखा जाए तो यूरोप के अंदर जहाँ चारों तरफ ठंडा वातावरण है, वहाँ बहुत लोग बुद्धिमान और विज्ञानी लोग तैयार हो रहे हैं। ये ऋषि मुनियों की धरती है, अष्टापद कैलाश पर्वत, बद्रीनाथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।